दिस इज द मोस्ट फेमस व्यू ऑफ माउंट फूजी जो आपने इंटरनेट पे देखा होगा। तो ये हम लोग यामानाशी में है और ये पगोडा टेम्पल है, इसके पीछे माउंट फूजी नजर आता है। तो आज हम लोग यामानाशी में आके इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और माउंट फूजी के जो 5 लेक्स हैं उसमें से जो सबसे बड़ा लेक है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट्स गो। Once upon a time, there was a player in every corner doing tricks for a dime. All the streets were cold. He had his eyes on all the bright shining silver and gold. हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी बज रहे हैं सुबह के तकरीबन 5 बज रहे हैं और आई एम हेडेड आउट। हम लोग आज जा रहे हैं लेक कावागुची। अब लेक कावागुची एक डिफरेंट प्रीफेक्चर में, मतलब उसके लिए हम लोगों को फ्यूजी हिल के करीब जाना पड़ेगा टोक्यो से निकल के यामानाशी प्रीफेक्चर में। तो इसलिए अभी इतना सुबह सुबह निकले हैं, अभी फजर का टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट। तो यहाँ से जाना है शिंजुकू स्टेशन और फिर वहाँ से एक बस पकड़नी है जो तकरीबन 2 घंटे में हम लोगों को लेके जाएगी यामानाशी में। मैंने यहाँ पे बाइक पार्किंग में लगा दी है एंड इट्स रियली स्ट्रेंज टू सी कि ये सारे पार्किंग स्टैंड्स ना ओपन है इस टाइम पे। और मैंने अपनी बिल्कुल मशीन के साथ लगाई है, इट्स ए रियल लग्जरी। नहीं तो यहाँ पे वो लाइन के एंड पे जाके बड़ी मुश्किल से स्पेस मिलती है मशीन से बहुत ज़्यादा दूर। तो अभी ये खाली है तो इधर जगह मिल गई है। As time went by so slowly, if only he could show me silver and gold. Oh, he didn't need no reason more than the oh so pleasing bright shining silver and gold. Look at the sky. होपफुली यामानाशी में जाते जाते इतने बादल ना हो, क्योंकि हम लोगों को माउंट फूजी का क्लियर व्यू चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, अभी सनराइज का टाइम है। तो अली आ गया फाइनली और अब हम लोग बस स्टेशन पे ही हैं। तो यहाँ से टिकट लेनी है और यामानाशी के लिए बस पकड़ते हैं। यामानाशी कावागुची को कावागुची को दो एडल्ट ही है ना तू, देख ले। कहाँ ट्रेन पे? चल अभी इसको मिस करा अभी। हाँ ये तो बड़ा लेट है। ये सारे लोग ना टिकट्स वगैरह अपनी बाय करके बैठे हुए हैं और अभी बज रहे हैं 7:35 हुए हैं ना, तो अभी अर्लीस्ट टिकट मिल रही है 12:15 की, उससे पहले की सारी टिकट सोल्ड आउट हैं। तो ये ट्रेन टिकट ले ली है कावागुची को की तरफ। ये 1-वे ट्रेन टिकट है, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इसमें भी जितनी भी बैठ के जाने वाली सीटें थी ना, सारी सीट्स बुकड हैं, तो सिर्फ खड़े होके जाना अलाउड है हम लोगों को। हम लोग किसी सीट पे बैठ नहीं सकते। तो एज एक्सपेक्टेड हम लोगों को सीट नहीं मिली और अब हम लोगों को 1.5-2 घंटे इस तरह खड़े रह के जाना पड़ेगा। सब हमारी तरह हैं। ये वैसे पीक सीज़न है, इस वजह से टिकट नहीं मिल रही। बैठने वाली सीट्स रिजर्व्ड हैं, तो जो एक्स्ट्रा पैसेंजर या टूरिस्ट होते हैं उनको इस तरह से अकोमोडेट किया जाता है, खड़े रह के 1.5 घंटे जाना पड़ता है। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, ये जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं ना, इसके बिल्कुल सामने ये वॉशरूम है। तो जब भी किसी ने वॉशरूम में जाना होता है ना, वो ये दरवाज़ा खोल के अंदर वॉशरूम जाता है। हाँ, लग्जूरियस वॉशरूम है बड़ा। More than meets the eye, your luck is turning and you don't even wanna know why. Lo and behold, you had your eyes on all the bright shining silver and gold. हम लोग कावागुची को स्टेशन आ गए हैं, तो सबसे पहले आप भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, कुछ खाने पीने के लिए ढूंढते हैं और उसके बाद हम लोग ये एरिया एक्सप्लोर करते हैं। हम लोगों ने पगोडा जाना है, कावागुची को लेक जाना है, वहाँ से माउंट फूजी के बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ वगैरह नज़र आते हैं। बाकी ये एक एरिया है, ये स्टेशन है, छोटा सा मॉडर्न सा स्टेशन बना हुआ है
और ये आसपास काफ़ी ज़्यादा होटल्स वगैरह भी हैं और खाने पीने की भी जगह हैं, तो घूमते फिरते हैं, ये एरिया एक्सप्लोर करते हैं। ट्रेन का वेट हो रहा है, हमारी ट्रेन अभी इस तरफ आएगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर्स का स्पॉट है। यहाँ पे लोग जैसे ट्रेन से उतरते हैं ना, लोग इधर स्टेशन पे आके सारे इधर जमा हो जाते हैं, पिक्चर वगैरह फ्यूजी के साथ बनाते हैं, उसके बाद वो वहाँ पे जाते हैं स्टेशन की तरफ। हम लोगों ने अभी हाइक करके उधर ऊपर जाना है, उधर एक बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ आते हैं फ्यूजी हिल के, वो सामने फ्यूजी हिल है। तो लेकिन उससे पहले हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, भूख बड़ी लगी हुई है, तो 7-Eleven जा रहे हैं हम लोग, वहाँ से कुछ खाने के लिए पकड़ते हैं, खा पी के फिर हम लोग ऊपर हाइक करते हैं। इन्होंने जगह जगह पर ये आर्ट वर्क बनाए हुए हैं, जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं डिफरेंट आर्ट वर्क बने हुए हैं। तो हमने इस आइकॉनिक स्पॉट पर हाइक करके ऊपर जाना है, ये टेंपल होगा और पीछे फ्यूजी हिल होगा। ये हम लोग टाउन में फिर रहे हैं, एक्चुअल हाइक और सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन उस तरफ है, तो इसलिए इस तरफ रश कम है। हम लोग 7-Eleven की खोज में इस तरफ आए हैं, तो यहाँ पे पुरसकून है निस्बतन, बहुत ज़्यादा क्वाइट है। तो ये हम लोग टाउन में काफ़ी अंदर आ गए हैं, जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस वगैरह हैं उससे हट के काफ़ी टाउन के अंदर आ गए हैं, और वो पीछे माउंट फूजी नज़र आ रहा है, और यहाँ पे ये लोगों के घर वगैरह भी हैं टाउन में, तो और बहुत ही पुरसकून जगह है। लुक एट द व्यू ऑफ द माउंटेन फ्रॉम हियर। ये हम लोग पहुंच गए हैं तकरीबन, एंड दिस माइट बी द प्रीटीएस्ट 7-Eleven की लोकेशन दैट आई हैव एवर सीन। इसके बिल्कुल पीछे ये माउंटेन है, एंड इट इज़ लुकिंग सो प्रीटी राइट नाउ। ऑफ कोर्स कैमरे वगैरह में उतना अच्छा नज़र नहीं आएगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये काफ़ी ज़्यादा सामान ले लिया खाने पीने के लिए, तो अब कहीं व्यू के साथ बैठ के खाते हैं, उसके बाद कॉफ़ी पकड़ते हैं और फिर हम लोग वापस हाइक के लिए जाएंगे। यहाँ से इतना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है ना माउंटेन, तो ऊपर से तो व्यू बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो खाना वगैरह खा लिया है और रात के लिए पैक भी कर लिया है, तो अब हम लोग चलते हैं पगोडा की तरफ, कॉफ़ी पकड़ते हैं और हाँ 7-Eleven से कॉफ़ी पकड़ के फिर पगोडा की तरफ जाते हैं, वहाँ पे हाइक करके पीक तक जाते हैं। ये अब 7-Eleven में कॉफ़ी अपनी बना रहे हैं, तो यहाँ पे मशीन्स लगी होती हैं, आपने सिंपली इस कप के लिए पे करना होता है और फिर आप खुद ही बना लेते हो। इस कप को यहाँ पे प्लेस करके सिंपली जो चीज़ चाहिए ना वो प्रेस कर दिया बटन। जगह बहुत ही कॉम और ब्यूटीफुल है, मेन जापान ना मोस्टली यही है। अगर हम लोगों को जो टोक्यो, शिबुया, अकियाबारा इस तरह की जगह दिखाई जाती है ना, बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स, बिल्डिंग्स, इस तरह की चीज़ें, अगर वहाँ से थोड़ा सा भी बाहर आ जाए ना, तो इस तरह का होता है जापान। यहाँ से हाइक स्टार्ट होती है, तो ये 400 स्टेप्स हैं टोटल, 400 स्टेप्स चढ़ के ऊपर तक टॉप तक जाना है। तो हाइकिंग स्टार्ट करते हैं, टॉप पे व्यू बहुत ज़बरदस्त है, तो टॉप पे जाके व्यू देखते हैं। Cause we no losing matters just the same. When all is fair, you just say your prayer. Cause we are all in it for the ये टेम्पल है, और यहाँ आगे सारा यामानाशी प्रीफेक्चर नज़र आ रहा है। अब जापान के 47 डिफरेंट प्रीफेक्चर्स हैं, या प्रोविंसेस आप लोग कह लें, ये यामानाशी है और माउंट फूजी यामानाशी प्रीफेक्चर में लोकेटेड है। तो टोक्यो के करीब है, इसलिए टोक्यो से भी नज़र आता है हर जगह से, लेकिन एक्चुअली में ये इस प्रोविंस में लोकेटेड है। ये वो आइकॉनिक व्यू है जो आपने बड़े कैलेंडर्स, पोस्ट कार्ड्स वगैरह पर देखा होगा,
और ये जितने भी ट्रीज़ हैं ना नीचे, ये सारे सकुरा चेरी ब्लॉसम के ट्रीज़ हैं। तो समर में एक आध महीना आता है जब यहाँ पे फूल वगैरह खिले होते हैं और ये सारा वाइट एंड पिंकिश सा हुआ होता है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है, पिक्चर्स वगैरह बनाई हैं। ये पीछे एक स्टैचू है, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि क्या है। तो ये पूरी स्टोरी कंजी में लिखी हुई है, बट दिस इज़ द स्टैचू ऑफ मेजी एम्परर। तो ये एम्परर का स्टैचू बना हुआ है इधर, और उसकी स्टोरी इंग्लिश में भी लिखनी चाहिए थी उनको यहाँ पे, लेकिन कंजी में लिखी हुई है। नीचे पगोडा से थोड़ा सा ऊपर अगर क्लाइम करके आए तो यहाँ पे एक अच्छा व्यू पॉइंट बना हुआ है, माउंटेन बड़ा अच्छा नज़र आता है यहाँ से भी, लेकिन वो टेंपल नीचे रह जाता है। तो सिर्फ माउंटेन का भी एक क्लियर व्यू ऊपर है, और ऊपर निस्बतन रश कम है, तो ज़्यादातर टूरिस्ट वगैरह नीचे ही रुक जाते हैं, ज़्यादा ऊपर तक नहीं आते। हम लोग जिन स्टेट से ऊपर आए थे उन्हीं स्टेट से ही वापस नीचे जाएंगे अब। तो ये स्टेट भी है, लोग बहुत थके होते हैं वैसे ऊपर आते हुए ना, मतलब कि एक दफ़ा थका देता है। ये स्टेयरवे है जहाँ से हम लोग ऊपर आए थे, और ये सामने माउंटेन है। इमेजिन करो कि आपका ये घर है, आप घर से सुबह सुबह निकलते हो और सामने ये व्यू है माउंट फूजी का, कितनी खूबसूरत जगह है। हम लोग कावागुची को स्टेशन वापस आ गए, वो फ्यूजी हिल पीछे नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ से लेक तकरीबन ऑलमोस्ट 800 मीटर्स है, तो हम लोग पैदल चल के लेक तक जाएंगे, और रस्ते में एक कैफ़े आता है वहाँ से कॉफ़ी भी पकड़ लेंगे। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। ये किसी जैपनीज़ अपने घर के बाहर बहुत ही प्यारा सा बोनसाई ट्री भी बनाया हुआ है। तो ये लेक की तरफ रास्ता जा रहा है आगे, तो चलते हैं। ऑलमोस्ट सनसेट हो रहा है, और इस तरफ ना माउंट फूजी नज़र आता है अभी इस पहाड़ के पीछे है। तो हम लोगों ने चल के ऑल द वे ओवर देयर जाना है, तो हम लोग थोड़ा जल्दी में है कि वापसी की ट्रेन टोक्यो की तरफ मिस भी ना हो जाए। तो हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम है, लेकिन हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं उस तरफ, सनसेट देखना है माउंट फूजी के साथ। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, और दिस व्यू ऑफ द माउंटेन इज सो अनरियल। यहाँ पे सनसेट हो रहा है लेक कावागुची को में, और साथ फ्यूजी हिल नज़र आ रहा है। इतना रश नहीं है क्योंकि ट्रेन स्टेशन उस तरफ है, और हम लोग लेक को सारा सर्कल करके इस तरफ आए हैं, तो कम लोग ही आते हैं इस तरफ। बट फॉर द व्यूज आई हैव एब्सोल्युटली नो वर्ड्स, बस खुद ही देखो और एंजॉय करो। Cause when a losing matters just the same, when all is fair you just say a prayer, cause we are all